माई सेल्फ नीरज पटेल। इस वीडियो लेक्चर में हम टाइप ऑफ लेटरिंग के बारे में सीखेंगे। दी लेटरिंग इन इंजीनियरिंग ड्राइंग शुड बी यूनिफॉर्म एंड ईजिली रीडेबल। मतलब कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम जो भी इंफॉर्मेशन लिखते हैं वो यूनिफॉर्मली होनी चाहिए और उसे हम आसानी से पढ़ सके ऐसी होनी चाहिए। नॉर्मली अपराइट एंड इंक्लाइन लेटर्स एंड न्यूमेरिकल आर यूज। ड्राइंग में अलग अलग इंफॉर्मेशन लिखने के लिए अपराइट और इंक्लाइन लेटर्स का उपयोग होता है। द साइज ऑफ लेटर्स डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ ड्राइंग। ड्राइंग की जितनी साइज होती है उस साइज के मुताबिक हमें लेटर की हाइट जो है वो सिलेक्ट करनी पड़ती है। इस फिगर में अपराइट लेटरिंग कैसे लिखा जाता है वो दिखाया गया है। अपराइट लेटरिंग में लेटर्स को वर्टिकली लिखा जाता है जो आप इस फिगर में देख सकते हैं। उसके बाद जो है वो है इंक्लाइन लेटरिंग। इंक्लाइन लेटरिंग में लेटर्स का एंगल 75 डिग्री रखा जाता है जो आप इस फिगर में देख सकते हैं। अब हम ड्राइंग शीट में अलग अलग एप्लीकेशन के लिए लेटर्स की हाइट कितनी होनी चाहिए उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले लेटर शोइंग ड्राइंग नंबर इन टाइटल ब्लॉक। टाइटल ब्लॉक में जो ड्राइंग नंबर होता है उसकी हाइट 10 से 12 मिलीमीटर होनी चाहिए। ड्राइंग का टाइटल होता है उसकी हाइट 6 to 8 mm होनी चाहिए। देन सब टाइटल एंड हेडिंग की हाइट 3 to 6 mm होनी चाहिए। देन डायमेंशंस, आइटम लिस्ट, शेड्यूल एंड लीजेंड की हाइट 3 to 5 mm होनी चाहिए। देन नोट्स एंड टॉलरेंसेस की फॉन्ट हाइट 2 to 3 mm होनी चाहिए।